ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम बेसिक मैथमेटिक्स, है ना। बेसिक मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस का जो थोड़ा हमने देखा है उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं छोटे छोटे फटाफट। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इज गिवन एज 3/5 देन फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इफ थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो साइन थीटा दिया है तो बाकी सब फाइंड करना है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सभी पॉजिटिव होते हैं। ए एस टी सी के अनुसार फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव हैं, ऑल पॉजिटिव। सो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया। क्या करना है, एक ट्राइंगल बना लेना है, एक ट्राइंगल बना लेना है। ये तो 10th का ही क्वेश्चन है। 10th का क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। इसको मान लो थीटा, तो साइन थीटा 3/5 है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। पाइथागोरस थ्योरम से ये 5² - 3² का अंडर रूट हो जाएगा, दैट इज 4। अब इससे लिख लो बाकी सारे सब कुछ, 10 थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कोजेक थीटा, सेक थीटा, है ना। बस ये आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस -60°। तो अब यहाँ पे क्वाड्रेंट का खेल आ जाएगा, है ना, क्वाड्रेंट के हिसाब से देखना पड़ेगा हमें, ठीक है भाई। तो सबसे पहले -60° कहाँ होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि उल्टा नापना है। एंटी हाँ क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं, तो ये -60° होगा, ठीक है। तो कॉस -60° ASTC लगाएंगे अगर, ASTC, तो सी यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, यानी कि ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी। सो दिस विल बी रिटन एज कॉस 60°। बस इतना कर देना है, तो दैट इज 1/2। फिर बाय 210, 210 कहाँ पर होगा, 210 180° से 30 ज़्यादा है। 210 इज़ नथिंग बट 180° प्लस 30, तो इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 180 से 30 ज़्यादा, ठीक है। तो दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, ASTC। तो 10 ही पूछा है तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो देखना इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 210 डिग्रीज को हम लिख देंगे 180° प्लस 30°, और सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री याद है तो 180° प्लस माइनस में 10 का 10 ही रहता है, तो इट विल बी 10 30°, एंड बिकॉज इट इज़ इन द थर्ड क्वाड्रेंट इट इज विल बी पॉजिटिव, यानी कि आंसर होगा 1/√3। फिर साइन 300 पे आ गए, साइन 300 यानी कि 360° से 60° कम, ठीक है। तो इसका मतलब ये है 300°, ये हो गया ASTC। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, कॉस पॉजिटिव होता है तो साइन नेगेटिव होता है, ठीक है। इसको हम एक 360° से प्लस माइनस करके कुछ लिख सकते हैं, दैट इज़ व्हाट, साइन 360° -60°। सो इट विल बी, क्योंकि ये 360° पाई का मल्टीपल है, 180° का मल्टीपल है, तो साइन का साइन ही रहेगा। सो इट विल बी साइन 60° मैग्नीट्यूड वाइज, और साइन की बात करें तो नेगेटिव होगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, टेन नेगेटिव होता है, तो -sin 60°, दैट इज -√3/2। समझ में आ गया ये, हाँ सर आ गया। ठीक है। अब इसका डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट में दिख ही रहा है, ठीक है। तो ASTC सेकेंड में नेगेटिव होगा, तो इसका आंसर नेगेटिव आने वाला है, कॉस 120°। सो इट कैन बी रिटन एज कॉस 90° प्लस 30°, तो sin 30°। साइन 30° नेगेटिव में जाएगा, तो -sin 30°, सो दैट इज -1/2, ठीक है। तो बस ये चक्कर याद रखना है कि अगर सप्लीमेंट्री है तो चेंज नहीं होगा, अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का टेन हो जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ कि अगर थीटा बहुत छोटा है, इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, और ये रेडियन में है ना, रेडियन में होना चाहिए, डिग्रीज में नहीं, रेडियन में, तो हम साइन थीटा को थीटा के बराबर लिख सकते हैं, 10 थीटा को लगभग थीटा के बराबर लिख सकते हैं, और साइन थीटा और 10 थीटा को एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं क्योंकि थीटा के बराबर है दोनों, और कॉस थीटा को 1 के बराबर लिख सकते हैं अगर थीटा वेरी स्मॉल है तो। ये बात समझ में आ रही है, हाँ सर आ रही है। और ये रेडियन में होना चाहिए ना, डिग्रीज में नहीं, रेडियंस में। तो जैसे एक एग्जांपल करते हैं कि वी हैव टू इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ साइन 2°।
अब हमें पता है 2 डिग्री बहुत छोटी क्वांटिटी है, इट इज़ वेरी नेग्लिजिबली स्मॉल, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम कन्वर्ट करते हैं रेडियन में, डिग्री में नहीं लिख सकते, रेडियन में करना पड़ेगा। सो साइन 2 डिग्री विल बी, तो 2 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, तो कैसे करें कन्वर्ट, 180 डिग्री इज पाई रेडियंस, ठीक है, यानी कि 1 डिग्री इज पाई बाय 180 रेडियंस। सो 2 डिग्री इज वॉट, 2 × π/180 रेडियंस, दैट इज π/90 रेडियन, ठीक है। तो साइन 2 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन π/90 रेडियंस के टर्म्स में, और साइन थीटा थीटा के बराबर होता है, तो इसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू लिख दी हमने π/90, बिकॉज इट इज़ वेरी स्मॉल, 3.14 को 90 से डिवाइड करेंगे तो बहुत छोटा आएगा। हाँ सर। फिर बढ़ गए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, साइन 2 डिग्री 1 − cos 2 डिग्री, इसको सॉल्व करना है। तो अब क्या करें यहाँ पर, कॉस का अप्रॉक्सीमेशन तो नहीं जानते, बट अपन कॉस से साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रख, याद करना वो फार्मूला, कॉस 2 थीटा का एक फार्मूला होता है, दैट इज़ वॉट, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन हमें पूरा साइन में कन्वर्ट करना है, सो दिस कैन बी रिटन एज 1 − sin² θ − sin² θ, यानी कि cos 2 θ इज नथिंग बट 1 − 2 sin² θ। तो ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ लगा देंगे cos 2 डिग्री को लिखने के लिए। सो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा sin 2 डिग्री 1 − cos 2 डिग्री को हम लिखेंगे, अगर देखना, अगर cos 2 डिग्री लिखना है हमें, तो इस आइडेंटिटी से क्या लिख सकते हैं, 1 − 2 sin² 1 डिग्री, ये चीज़ समझ में आई, साइन स्क्वायर वन क्यों कर दिया सर, देखना कॉस 2 थीटा जो है वो हमने आइडेंटिटी से कैसे लिखा, 1 − 2 sin² θ, तो इसलिए कॉस 2 डिग्री को ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पे ये अब सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 − 2 sin² 1 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। अब इसको फर्दर सॉल्व किया तो 1 से 1 कट गया और ये माइनस बच गया, यहाँ तो बाहर आ गया वो जो −2 sin² 2 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय sin² 1 डिग्री। अब साइन 2 डिग्री और sin² 1 डिग्री को अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, सो दिस विल बी −2, यहाँ साइन 2 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये π/90, और साइन 1 जो है वो कन्वर्ट होगा तो होगा π/180, सो π/180, और उसका भी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है, इट विल बी −2 × π³ / 90 × 180, या ये 2 से 180 कट गया तो 90, सो इट कैन बी रिटन एज π³ / 90² ये आंसर हो गया। हाँ सर। दिस इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अब बढ़ते हैं आगे, चलिए फिर इसको पॉज करके, मतलब जो बच्चे बाद में देखेंगे वो पॉज करके डायरेक्टली इनकी वैल्यूज निकालेंगे ASTC रूल से, इनके मैंने क्या आंसर भी कॉपी कर दिए गलती से, तो अब आंसर ही लिखे हुए हैं सबके, ये आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब इसको ध्यान से देखना, तो इसमें लिखा हुआ है कार इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड हुज पोजीशन चेंजेस विद टाइम एज टाइम टी एज एक्स इक्वल्स टू 3t² + 1, ठीक है, ये एक्स का फंक्शन दिया हुआ है, सो कंप्यूट इट्स एवरेज स्पीड, एवरेज रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, ठीक है, तो हमें उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। अच्छा, एवरेज स्पीड हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए वहाँ पर। तो कुल मिला ये तो बताया ही नहीं, क्या क्या एक्स क्या ये नहीं बताया, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, एक्स पोजीशन है, हुज पोजीशन चेंजेस विद टाइम, एक्स इज अ पोजीशन। हाँ सर। ठीक है, अच्छा एवरेज स्पीड क्या होती है, चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है, तो जितना चेंज इन पोजीशन हुआ डिवाइडेड बाय टाइम कर देंगे तो हमें एवरेज स्पीड मिल जाएगी। तो अब कहाँ से कहाँ तक चाहिए उसे, उसे चाहिए 2 से 3 सेकेंड्स के बीच, ठीक है,
तो यहाँ पर पहले पार्ट पर आते हैं। तो हमें एवरेज स्पीड लिखनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय कितना चेंज इन टाइम हुआ। ठीक है, अच्छा चेंज इन पोजीशन लिखेंगे तो कहाँ से कहाँ तक? पहले पार्ट में 2 सेकेंड्स पे जो पोजीशन है, फिर फाइनली 3 सेकेंड पे जो पोजीशन है उनका चेंज लिखना है। सो दिस कैन बी रिटन एज पोजीशन एट 3 सेकेंड्स माइनस पोजीशन एट 2 सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो 2 से 3 सेकेंड में कितना टाइम हुआ? 3 माइनस 2 दैट इज 1 सेकेंड। तो अब इस एक्स थ्री को कैसे लिखें? एक्स थ्री का मतलब एक्स की वैल्यू जब टी की वैल्यू 3 है। सो एक्स इज इक्वल्स टू 3t² + 1। तो यहाँ इस फंक्शन से हमें x की वैल्यू लिखनी है विभिन्न t की वैल्यू पर। सो x3 इज नथिंग बट 3 3² + 1। सो दैट्स व्हाट, दैट इज 28। फिर x2 इज नथिंग बट 3 2² + 1। सो दैट इज 4 13। तो ये x3 माइनस x2 इज नथिंग बट 28 माइनस 13, सो दैट इज 15। तो 15 डिवाइडेड बाय 1। तो ये सब कुछ ऐसा यूनिट में है ना, ऐसा मान लेते हैं दिया है क्वेश्चन में, इमेजिन कर लो। तो ये वेलोसिटी जो एवरेज है वो भी ऐसा यूनिट में आ जाएगी, यानी कि मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो पहला हो गया। अब सेकेंड पर आ जाते हैं। सेकेंड पर, तो सेकेंड पे उसने बोला 2 सेकेंड से लेके 2.1 सेकेंड तक बताओ। तो अब देखना ये इंटरवल बहुत ही ज़्यादा कम है, इट इज़ वेरी स्मॉल। तो हमारा एक अप्रोच तो ये हो सकती है कि x इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे निकाल लो, फिर x इज इक्वल्स टू 2.1 सेकेंड पे निकाल लो। निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम अबाउट इट, निकाल ही लेते हैं चलो। तो 3 2² ये तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 13। 2.1 पे निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे? 3 2.1² + 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2.1² 4.41। तो 3 × 4.41 + 1, सो दैट इज 13.23 + 1 = 14.23। ठीक है, तो यहाँ पर जब वी एवरेज निकालेंगे, वी एवरेज दैट विल बी चेंज इन पोजिशन, यानी कि 14.23 - 13, तो ये हो जाएगा 1.23 डिवाइडेड बाय कितना समय लगा? 2 से 0.1, सो इट इज 12.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा इसको अगर हम कैलकुलस के थ्रू करते तो हमारी काम आसान हो जाता। और कैलकुलस के थ्रू कैसे करते, वो इसको ऐसे समझो कि जो वी एवरेज है वो कैसे डिफाइंड है? डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। और अगर ये डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो हो जाए तो इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं? लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, तो दैट इज़ नथिंग बट डी एक्स बाय डी टी। कुल मिला के इसको हम डी एक्स बाय डी टी के थ्रू भी सॉल्व कर सकते थे अप्रॉक्सीमेटली, जब टी की वैल्यू जो टाइम चेंज हो रहा है उसकी वैल्यू इनफाइनाइटली स्मॉल हो जाए। वैसे इनफाइनाइटली स्मॉल तो नहीं है, 0.1 सेकेंड इज़ नॉट इनफाइनाइटली स्मॉल, बट अगर हो जाए तो हम डी एक्स बाई डी टी कर सकते हैं डायरेक्टली। तो देखना यहाँ पे हम अगर इसको डी एक्स बाई डी टी कर दें, जो एक्स दिया हुआ है, ये दिया हुआ एक्स, सो वेलोसिटी एवरेज इज डी एक्स बाई डी टी, तो दैट्स वॉट, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 60। ठीक है, हाँ सर। तो अब अगर हम t इक्वल टू 2 सेकेंड पे देख लेते, 2 से लेके 2.1 यानी कि 2 सेकेंड पर ही देख लेते, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती? 6 × 2, क्योंकि डी एक्स बाई डी टी इज वॉट 60, तो दैट इज 12। ठीक है, तो एग्जैक्टली आंसर आया 12.3 और अप्रॉक्सीमेशन आंसर आया 12 मीटर पर सेकेंड, तो बात चल जाएगी। हाँ, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। हाँ सर। ठीक है, तो कुल मिला के जब 2 सेकेंड से लेके 2.001 सेकेंड तक होगा तो फिर 12 के करीब आंसर आता जाएगा। फिर अगले में दिया हुआ है 2 से लेकर 2.0001 सेकेंड, तो और 12 के तकरीबन आ जाएगा। और एग्जैक्टली 2 पे ही पूछा है कि 2 पे बताओ कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या है, तो एग्जैक्टली 12 हो जाएगा। तो इसका भी आंसर 12, इसका भी आंसर 12 और इसका भी आंसर 12। तो इसका फिफ्थ वाले का एग्जैक्ट 12,
फोर्थ वाले का 12 से थोड़ा सा ज़्यादा, थर्ड वाले का 12 से थोड़ा और ज़्यादा, सेकेंड वाले का 12.3 जो हम निकाल चुके हैं, और फर्स्ट वाले का तो 15। ठीक है, ये समझ में आया? हाँ सर, आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कि सपोज द डिस्प्लेसमेंट वाई टी दैट इज वाई एज अ फंक्शन ऑफ टी इज गिवन बाय दिस, तो क्या फाइंड क्या करना है? तो कुछ नहीं, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो वेलोसिटी फाइंड करने का बोल रहा होगा, वेलोसिटी का फंक्शन फाइंड कर दो और एक्सेलरेशन का। तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करें? इसका डिफरेंशिएशन टाइम के साथ, यानी कि डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब, सो दैट इज़ वॉट 3t2। और एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, डी बाई डी टी ऑफ 3t2, दैट इज 60। कुल मिला के वेलोसिटी इज अ डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन वेक्टर इज वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। यही होती है इक्वेशन ऑफ मोशन, जो नेक्स्ट चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे हम इसके बारे में। फिर ये फटाफट सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है, ये डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ इसका, तो 2t। दूसरे का क्या हो जाएगा? 3/2 t^2 इसका क्या हो जाएगा? थर्ड का 1/2 t^-3/2 1/2 या -1/2 -1/2 तो थर्ड को आराम से देख लेते हैं। y is written as like this, t^-1/2 तो जब डिफरेंशिएट करेंगे dy by dt, सो इट विल बी -1/2 t^-1/2 सो दैट इज़ वॉट -1/2 t^-3/2 यानी कि -t^-3/2 डिवाइडेड बाई 2, सो -t^-3/2 डिवाइडेड बाई 2। इसका बता दो सिक्स्थ का, सिक्स्थ का आंसर हो जाएगा 4t+1, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 12t^2, ठीक है। तो ये तो आसान आसान वाले हो गए, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से ज़रा। सेवन्थ वाले को, सेवन्थ वाले को इधर देखो, तो यहाँ पर क्या है? डी वाई बाई डी टी करना है, सो इट इज़ 3√t, सो t^-1/2 है, तो 3/2, 3 तो कांस्टेंट है इसलिए वो तो एज इट इज़ लिख दिया, 1/2 पावर का आ गया इधर, और t^-1/2 -1 तो -1, प्लस 1/√t का देखा हमने कि माइनस क्या हो जाएगा, 1/√t का ये -t^-3/2 तो इट विल बी -2 से 2 कट जाएगा, ये जो 2 है वो इससे कट जाएगा, सो इट विल बी -t^-3/2, सो दिस इज़ द आंसर फॉर सेवन्थ। अब आ जाते हैं इस पे, फिफ्थ पे, फिफ्थ में कोई दिक्कत नहीं है, फिफ्थ में डायरेक्टली बताओ आंसर। सर t^-1/2 t^-1/2, ठीक है। अब एट्थ पर आ जाते हैं, एट्थ में क्या बोल रहा है वो? t^3 × sin t है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? चेन रूल, चेन रूल नहीं, प्रोडक्ट रूल, दो है ना, एक t³ है और एक sin t है, तो d/dt ऑफ, याद नहीं मुझे क्या था, अब भी याद आएगा। तो क्या करते थे प्रोडक्ट रूल में? सबसे पहले पहले वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरा एज इट इज, तो पहले के वाले का डिफरेंशिएशन विल बी 3t² और दूसरा एज इट इज़ यानी कि sin t, फिर प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहला एज इट इज़, तो t³ एज इट इज़, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन विल बी cos t। ये हो गया इसका आंसर। हाँ सर, ठीक है। फिर आ गए अपन नेक्स्ट पर, ये एक्स इज इक्वल टू t × e^t, सो नाइन्थ इज d/dt ऑफ एक्स इंटू t × e^t, t × e^t, यहाँ पर भी वही प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में सबसे पहले पहले वाले का डिफरेंशिएशन तो हो गया 1, दूसरा एज इट इज़ यानी e^t, फिर प्लस पहला एज इट इज़ तो t, दूसरे का डिफरेंशिएशन e^t का डिफरेंशिएशन इज e^t, ये आंसर हो गया
एट नाइन्थ वाले को। हाँ सर। फिर टेंथ पर आ जाते हैं। सो टेंथ को या तो अपन इस तरीके से कर सकते हैं कि ये एक फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, या अदरवाइज इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके ओपन कर लो कि टी की पावर हाफ हो गया माइनस टी टू द पावर 3/2 हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो। सो इस पर डिफरेंशिएटर लगाया तो टी टू द पावर हाफ का तो हो गया हाफ टी टू द पावर 1/2 माइनस 1, तो माइनस हाफ, फिर माइनस 3/2 टी टू द पावर 3/2 माइनस 1, सो दैट इज 1/2। तो ये आंसर हो गया इसका। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ और एग्जांपल्स, यहाँ पर क्वेश्चन रूल भी आएगा डिफरेंशिएशन का। तो पहला दिया हुआ है वाई इक्वल्स टू एक्स एल एन एक्स, तो पहले का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एल एन एक्स। तो यहाँ दो फंक्शन है प्रोडक्ट में, एक्स और एल एन एक्स, तो यहाँ पे लगाया प्रोडक्ट रूल, पहले का डिफरेंशिएशन 1, दूसरा एज इट इज़ यानी कि एल एन एक्स, फिर प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन यानी कि 1/x, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, और x का डिफरेंशिएशन नहीं, x एज इट इज़, तो x, तो ये कट गया इससे, तो फाइनल आंसर इज एल एन एक्स प्लस 1, ये पहले का आंसर। हाँ सर। ठीक है, दूसरे में भी दो हैं, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर x, सो डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x, तो फटाफट पहले का डिफरेंशिएशन 2x, दूसरा एज इट इज यानी कि e की पावर x, फिर प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन यानी कि e की पावर x और दूसरा एज इट इज, तो एक्स स्क्वायर ई की पावर x, सो दिस कैन बी रिटन एज ई की पावर x कॉमन, और अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये आंसर हो गया दूसरे वाले का। अब तीसरे वाले में हमें क्वेश्चन रूल लगाना है, ऊपर क्या है साइन x और नीचे है x, तो थर्ड पे आ गए, क्वेश्चन रूल डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x अपॉन x। ठीक है, तो देखना इसका फॉर्मूला क्या होता था, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरा एज इट इज, तो सबसे पहले आ जाएगा साइन x और दूसरा एज इट इज यानी कि x, और यहाँ प्लस नहीं माइनस आता था, माइनस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन यानी कि 1 और पहला वाला एज इट इज यानी कि साइन x, और इसके बाद अपॉन में जो भी लिखा है यहाँ पर डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर चिपका देना है, तो उसका स्क्वायर, तो ये आंसर हो गया इसका। आया समझ में? हाँ सर। ठीक है, अब फोर्थ पर आ जाते हैं। सो फोर्थ इज डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाई एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो प्रोडक्ट क्वेश्चन रूल लगाएगा यहाँ पर, या इसको हम क्वेश्चन रूल नहीं भी लगाना चाहते हैं तो रैशनलाइज कर सकते हैं, जैसे 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्या होगा, इट विल बी 3x, और x की पावर हाफ और ये 1 है, तो हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ, तो 2 टू द माइनस हाफ, इस चीज़ को डिफरेंशिएट करना है। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन रूल की ज़रूरत नहीं है, ये तो डायरेक्टली हो गया, सो इट विल बी 3 प्लस 2 इंटू माइनस हाफ इंटू एक्स टू द पावर माइनस हाफ माइनस 1, सो दैट इज़ व्हाट, 3 प्लस कट गया एक्स टू द पावर माइनस 3/2, तो ये आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि x इज इक्वल्स टू ए टी प्लस बी टू द पावर n, वेयर a, b एंड n आर रियल नंबर्स, देन dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू ए एन, है ना, ये प्रूव करना है, देन प्रूव दैट दिस वी हैव टू प्रूव। तो यहाँ पे चेन रूल जैसा लग जाएगा, इट इज़ व्हाट, इट इज़ गिवन एज एक्स इज इक्वल्स टू ए टी प्लस बी टू द पावर एन। ठीक है, तो डी एक्स बाई डी टी करा, किसके टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है, हमें करना है इसको टी के टर्म्स में डिफरेंशिएट, तो ये लीनियर फंक्शन है यहाँ पे, है ना, टी का लीनियर फंक्शन है, तो सबसे पहले तो इसको एक्स मानते हुए सॉल्व कर दो, मतलब कंसिडर इट लाइक एक्स टू द पावर एन, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होगा n इंटू एक्स एन माइनस 1
और क्योंकि ये चीज़ एक्स है, दिस इज नॉट टी, एक डी एक्स बाई डी टी भी आएगा यहाँ पर। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। चेन रूल है ना, दिस इज कॉल्ड चेन रूल। तो बस यहाँ पे पहले तो इसको एज इट इज मानते हुए लिख दो, एन ए टी प्लस बी टू द पावर एन माइनस वन, और फिर उसके बाद इस चीज़ जो ये लीनियर फंक्शन है अंदर, इसका भी डिफरेंशिएशन कर दो टी के टर्म्स में। तो ए टी प्लस बी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, ए। ये आंसर हो गया, मतलब यही प्रूव करना था हमें। तो यहाँ चेन रूल लग गया सर, ए टी प्लस बी का डिफरेंशिएशन ए के हो गया, क्योंकि करो ए टी प्लस बी का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी टी ऑफ ए टी प्लस बी, तो कॉन्स्टेंट है ए और बी, तो इस चीज़ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए आएगा, और बी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ज़ीरो आएगा। हाँ सर, इट विल बी लाइक ए। फिर आ गए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है x इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, देन फाइंड डी एक्स बाई डी टी वेयर डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल्स टू ओमेगा। तो यहाँ पर भी चेन रूल लगेगा, ठीक है। तो x दिया हुआ है हमें साइन स्क्वायर थीटा, तो डी एक्स बाई डी टी करना है। बहुत गौर से समझना, ये डी एक्स बाई डी टी टाइम मतलब टी का वेरिएबल है, लेकिन इधर तो थीटा है, तो एक डी थीटा बाई डी टी भी आएगा उधर। तो सबसे पहले तो इसको जो भी फॉर्मूला है उससे कर दो, तो टू साइन थीटा, उसके बाद क्या साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस थीटा, और फिर डी थीटा बाई डी टी। ये समझ में आ रहा है कल्पेश? हाँ सर, आ रहा है। और डी थीटा बाई डी टी किसके बराबर है? ओमेगा। सो दिस इज नथिंग बट ओमेगा इंटू टू साइन थीटा कॉस थीटा, सो इट कैन बी रिटन एज ओमेगा इंटू साइन टू थीटा, है ना। आइडेंटिटी होती है टू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन टू थीटा, दिस इज द आंसर। यस सर। फिर आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो देखना गौर से कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू अल्फा, इस रेट से रेडियस सर्कल की इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सो फाइंड द रेट एट विच इट्स एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज इक्वल्स टू 3 meters। तो लेट से एरिया ए है, सो हमें उसका रेट फाइंड करना है। इफ ए इज एरिया देन वॉट इज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, इंक्रीज ऑफ एरिया इट इज नथिंग बट डी ए बाई डी टी। वी हैव टू कैलकुलेट डी ए बाई डी टी बट वी आर गिवन एज डी आर बाई डी टी। सो एरिया को देखना हम कैसे लिख सकते हैं, एरिया को लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल है, और इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इस इक्वेशन को टाइम के टर्म्स में। तो डिफ्रेंशिएट किया तो इधर क्या आया, डी ए बाई डी टी, लेफ्ट हैंड साइड डिफ्रेंशिएट किया, और राइट हैंड साइड किया तो क्या आएगा 2πr dr by dt। समझ में आ रहा है क्या? आ गया, ठीक है। अब उसने बोला है कि इसकी वैल्यू बताओ जब r की वैल्यू 3 meters है, तो इसमें हमने रख दिया 2 into π into r, r की जगह 3 रख दिया, और dr by dt दिया हुआ है क्वेश्चन में अल्फा के बराबर, सो दिस इज नथिंग बट 6πα। अच्छा, सब कुछ अगर ऐसा यूनिट में है तो da by dt की ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सो इट इज लाइक मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सो दिस इज द आंसर। हाँ सर, आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इट इज गिवन दैट पोजिशन वेक्टर आर वेक्टर इज गिवन एज 2t i cap + 3t² j cap, सो फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन वेक्टर where v is given as dr by dt and acceleration vector is given as dv by dt। तो इसमें हमको वैक्टर्स की ब्यूटी याद रखनी है कि x डायमेंशन को अलग से ट्रीट करेंगे हम, और y को अलग से ट्रीट करेंगे, और आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो इसको हम तोड़ लेते हैं x में और y में, दिस क्वेश्चन इज bifurcated इन x एंड y, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आर एक्स क्या है, आर एक्स दिख रहा है हमें 2t, और आर वाई क्या है, आर वाई दिख रहा है हमें 3t². सो हेयर वी कैन, अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा हमें, वी एक्स, वी एक्स इज नथिंग बट डी बाई डी टी ऑफ
rx, that is 2t. So that is what? 2. And similarly vy is इस चीज का differentiation, that is 60. Acceleration in x direction will be the differentiation of x, velocity in the x direction, यानी कि 2 का differentiation, that is 0. और acceleration in y direction is the differentiation of velocity in y direction, that is 6. तो अब ये हमारे पास x और y component आ गए सबके, ठीक है. अब हमें क्या find करना है finally? हमें find करना था velocity vector. तो x और y निकल के आ चुका है, तो report कर देंगे 2i cap plus 60j cap. So 2i cap plus 60 j cap. और acceleration vector को लिख देंगे 0i cap, यानी कुछ नहीं, और 6j cap. So acceleration vector is 6j cap. So these are the answers. समझ में आया? अंदर आ गया समझ में. अच्छा, अब maximum minimum वाले question आ गए. अब क्या दिया हुआ है? Find the minimum value of this. Y is equals to 25x square minus 10x plus 5. जो कंप्लीट द स्क्वायर से भी कर सकते हैं इसको, क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो और भी तरीके हैं पैराबोला ड्रॉ करके करने के, लेकिन अभी अपन कैलकुलस वाला मेथड देखते हैं. तो एक बार मैक्सिमम मिनिमम रिवाइज करवा दो. हाँ, तो मैक्सिमम मिनिमम की लेट्स से हमारे पास कोई फंक्शन है, कोई भी रैंडम फंक्शन, ठीक है. तो उस पर कुछ पॉइंट्स पड़ रहे हैं, ठीक है. यहाँ पर स्लोप ज़ीरो है, यहाँ पर स्लोप ज़ीरो है, यहाँ पर स्लोप ज़ीरो है. तो ऐसे तीन पॉइंट्स हैं जहाँ पर स्लोप ज़ीरो है. तो हम कह सकते हैं dy by dx is 0, dy by dx is 0 here also, and dy by dx is 0 here also. बट क्लियरली दिख रहा है कि ये मैक्सिमा वाला पॉइंट है, दिस इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और ये वाले दोनों पॉइंट्स मिनिमा वाले पॉइंट्स हैं. हाँ सर, ठीक है. तो dy by dx हमें ये नहीं बताता है कि मैक्सिमा वाला है कि मिनिमा वाला है, बस ये बताता है मैक्सिमा और मिनिमा हो सकता है यहाँ पर, लेकिन इट डू नॉट टेल अबाउट कि भाई मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा. ये बात समझ में आ रही है? मतलब कि अगर dy by dx इज इक्वल्स टू जीरो करके हमने कुछ निकाल दिया, लेट से x1, x2, x3 ऐसे पॉइंट्स निकाल दिए, तो हमें ये नहीं पता है कि ये पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा हैं कि पॉइंट्स ऑफ मिनिमा हैं. तो उसके लिए हमें डबल डिफरेंशिएशन का सहारा लेना पड़ता है. तो क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएशन भी डिफरेंशिएशन करते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. और अगर वो पॉजिटिव है तो मतलब कैसे पॉजिटिव, एक्स वन रखा लेट से और वो पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्स वन इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है. और एक्स टू रखा सपोज, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन निकाला और वहाँ पर फिर हमने एक्स टू रख दिया. हाँ, और वो लेस देन जीरो आ गया, इसका मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ठीक है. अच्छा, इसको और गहराई से अपन थोड़ा बढ़ेंगे, जब बड़ी क्लास में आएंगे तो समझ पाएंगे, लेकिन मैं एक बार बोल जरूर देता हूँ कि कैसे जजमेंट होता है. सो दिस इज व्हाट, दिस इज स्लोप ऑफ स्लोप, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप. तो देखना मिनिमा वाले पॉइंट पर क्या हो रहा है, स्लोप नेगेटिव था, कम होते 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 ज़ीरो हुआ, है ना, मतलब बढ़ते 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 ज़ीरो हुआ और फिर उसके बाद बढ़ता गया, यानी कि स्लोप बढ़ रहा है. ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पे स्लोप था नेगेटिव, फिर थोड़ा और कम नेगेटिव हुआ, फिर कम नहीं, फिर ज़ीरो हुआ और फिर बढ़ने लग गया. इसका मतलब मिनिमा वाले पॉइंट पर स्लोप का स्लोप बढ़ रहा है, तो इसलिए डबल डेरिवेटिव इज ज़ीरो. और यहाँ पर ज़्यादा था स्लोप, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर ज़ीरो हुआ और फिर नेगेटिव में चलता रहा, नेगेटिव में कम होता रहा. यहाँ पर स्लोप का स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है, इसलिए स्लोप का स्लोप इज नेगेटिव. स्लोप का स्लोप मतलब स्लोप का भी स्लोप, अगर हम स्लोप का स्लोप ड्रॉ करेंगे तो वो कैसा होगा, मतलब कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हाँ मैं बताता हूँ कि लेट से मैक्सिमा का एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. यहाँ पर स्लोप था लेट से 5, है ना, यहाँ पर स्लोप था 4, फिर हो गया 3, फिर हो गया 2, फिर हो गया 0, फिर इधर पे 2 माइनस 2, फिर इधर पे माइनस 3, फिर इधर पे माइनस 4, फिर इधर पे माइनस 5, ठीक है. अच्छा, अगर हम स्लोप के स्लोप को प्लॉट करें, स्लोप के स्लोप को मतलब सबसे पहले तो स्लोप वर्सेस एक्स प्लॉट करें,
ये क्या था, ये जो ये था हमारा एक्स वर्सेस वाई। लेकिन अगर कोई बोले कि डी वाई बाई डी एक्स प्लॉट करो, तो यानी कि स्लोप प्लॉट करना है, तो यहाँ पर 5 है सबसे पहले स्लोप, तो यहाँ 5 मार्क कर दिया, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे। फिर 4 है, फिर यहाँ 4 मार्क कर दिया। फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 0 है, इसका मतलब कम होता जा रहा है, और फिर नेगेटिव में जाता जा रहा है, तो मतलब और कम होता जा रहा है। ये बात समझ में आ रही है, स्लोप का जो स्लोप है वो कम होता जा रहा है। हेयर स्लोप इज नेगेटिव, हाँ, आ गया सर, समझ। तो अब आ जाते हैं अपन। कुल मिला के अगर हमें बस इंजीनियरिंग मैकेनिज्म याद रखना है, तो डबल डेरिवेटिव इज पॉजिटिव फॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा, एंड डबल डेरिवेटिव इज नेगेटिव फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो यहाँ पे अब ये देखते हैं कि पॉइंट ऑफ मिनिमा बन रहा है या मैक्सिमा बन रहा है। तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स को ज़ीरो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स ज़ीरो करते हैं, तो ये हुआ हमारे पास 50x माइनस 10 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से क्या आया, एक्स इज इक्वल्स टू 1/5। तो यहाँ तो एक ही पॉइंट आया, अब एक ही को चेक करना है। अब डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं यहाँ से इसका। सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि इस चीज़ को डिफरेंशिएट करके, तो वो क्या आया हमारे पास 50। पॉइंट तो वो तो पॉजिटिव है ना, एक्स चाहे कुछ भी हो, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू आएगी, पॉइंट ऑफ मिनिमा। मतलब अब इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब एक्स की वैल्यू 1/5 हो जाए। तो वाई मिनिमम विल बी 25 इंटू 1/5 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 1/5 प्लस 5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -2, तो 5 - 1 इज 4। सो दिस इज द आंसर, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 4 है। और अगर सर अपन ने जो चेक किया उसमें मिनिमा आया, इस बार मैक्सिमा आता तो क्या होता? ठीक इसमें मैक्सिमम आता तो 4 मैक्सिमम वैल्यू होती है इसकी, है सर। ठीक है। तो ये बात हो गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि अ बॉडी इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड्स अंडर ग्रेविटी सच दैट इट्स पोजिशन फ्रॉम ग्राउंड इज गिवन एज वाई इज इक्वल्स टू ut -1/2 gt² सो फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बॉडी। ठीक है, तो कुल मिला के हमें ये जो वाई है इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। आई बात समझ में? तो उसमें सबसे पहले क्या करें, डिफरेंशिएशन करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेते हैं। किसके साथ डिफरेंशिएशन करना है, टाइम के साथ। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन टाइम का फंक्शन है। सो डी वाई बाई डी टी इज़ नथिंग बट यू माइनस 1/2 g × 2t, तो दैट इज़ नथिंग बट यू माइनस जी टी। तो इसको अगर हमने ज़ीरो से इक्वेट किया तो हमें टाइम की क्रिटिकल वैल्यू मिल जाएगी, टी इज़ इक्वल्स टू यू बाई जी। तो टी इक्वल टू यू बाई जी पर या तो मैक्सिमा हो सकता है या मिनिमा हो सकता है, जो हमें डबल डिफरेंशिएशन से डिसाइड करना पड़ेगा। सो डी स्क्वायर यू बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, मतलब कि इस डिफरेंशिएशन, इस चीज़ में यू तो कांस्टेंट है, यू कांस्टेंट है तो गया, इस 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 बचेगा केवल। सो इट विल बी लाइक -g। ये बात समझ में आ रही है? एंड माइनस जी इज नेगेटिव, इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, मिनिमा नहीं है। तेरे क्वेश्चन में पूछा ये मैक्सिमम हाइट है तो मैक्सिमम ही होगा अपन। हाँ, वैसे तो सिंपल सी बात है, मैक्सिमम हाइट पूछा है तो मैक्सिमम ही होगा, ये सब करते नहीं बैठेंगे अपन मेन एग्जाम में, अपन तो डायरेक्ट बस ये रख के आंसर निकाल देंगे। बिल्कुल सही। तो कुल मिला के वाई की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कब आएगी, जब टी की वैल्यू यू बाई जी हो जाए। बस रख दो यहाँ पे, तो यू इंटू यू बाई जी -1/2 g × u/g का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया यू स्क्वायर बाई जी माइनस यू स्क्वायर बाय 2g, 1 - 1/2 = 1/2, यू स्क्वायर बाय 2g। दिस इज द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड, अगर हमने एकदम ऊपर फेंका है तो। हाँ सर, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, एक टर्म होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यानी कि जैसे
हमने पता है ना कि पैराबोला की कुछ इक्वेशन होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो इसको अगर बनाएंगे तो ये पैराबोला हो, मतलब ये अभी रुक जाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, लेट से वाई इज इक्वल टू 3x² प्लस 4y 4x प्लस 2, तो इसका कुछ ग्राफ टाइप बनता है ना, ये जो रूट्स होते हैं उसके डिटर्मिनेंट पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उससे डिटरमाइन होता है कितने रूट्स होंगे, कुल मिला के इसका एक ग्राफ बनता है। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अगर मैं अदर वे राउंड बोलूँ कि मान लो मैंने एक वो बना दिया पैराबोला, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व, और मैं बताऊँ कि मैं तुमसे पूछूँ कि बताओ इसकी इक्वेशन क्या है, ठीक है, तो व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, मतलब इमेजिन करो एक ट्रेजेक्ट्री, मतलब कि जो पार्टिकल पाथ ट्रेवल करता है उस पाथ की इक्वेशन, तो पार्टिकल लेट से इस पाथ पर जा रहा है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है, तो तुम बताओगे अपने जो भी ये इक्वेशन होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज नथिंग बट पाथ की इक्वेशन जो पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, सो इट इज़ द पाथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम पैरामीटर, टाइम का फंक्शन नहीं आता वहाँ पर, है ना। अब जैसे कि ये कर्व है ऐसा वाई और एक्स में, तो तुम बताओगे ना वाई और एक्स की इक्वेशन क्या है, टाइम नहीं आएगा वहाँ पर कुछ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में। अरे बस हो, एक एग्जांपल देके बता दो। हाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैंने मैप बना लिया, ठीक है, ये दानिश नगर का एक पॉइंट है जिसको मैं ओरिजिन बोल देता हूँ कि दिस इज़ द रोजन एकेडमी एंड हेयर इट इज़ रजत विहार का कोई घर, और इंसान ऐसे गया एकदम स्ट्रेट लाइन में गया, तो बताओ उसकी ट्रैजेक्ट्री की इक्वेशन क्या है, तो उसकी ट्रैजेक्ट्री इक्वेशन है लेट से ये 45 डिग्री एंगल है, तो उसकी ट्रैजेक्ट्री इक्वेशन हो गई वाई इज इक्वल टू एक्स। हाँ सर। अच्छा तो अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फॉर द पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर पाथ हैज शोन, तो अब किस पाथ में जा रहा है पार्टिकल, वो जा रहा है सर्कुलर पाथ में, मतलब कुल मिला के हमें सर्कल की इक्वेशन बतानी है, ठीक है, उसकी एंगुलर स्पीड दी हुई है ओमेगा, तो ये पॉइंट लेट से हमने यहाँ पे पकड़ लिया एक कहीं किसी टाइम पर वो यहाँ पर है ना, रेडियस 1 है और उसके कोऑर्डिनेट्स x, y है, तो देखना इसके हम एक्स कोऑर्डिनेट को क्या लिख सकते हैं, इसके एक्स कोऑर्डिनेट को लिख सकते हैं 1 cos थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट को क्या लिख सकते हैं 1 sin थीटा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई उस पॉइंट पर 1 cos थीटा, और वाई की वैल्यू क्या हो गई 1 sin थीटा। अच्छा हम यहाँ से थीटा एलिमिनेट करके एक्स और वाई में इक्वेशन लिख सकते हैं, कि यहाँ से अगर मैंने बोल दिया कि कॉस थीटा इज एक्स, और यहाँ से बोल दिया साइन थीटा इज वाई, एंड वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से उठाओ कॉस स्क्वायर थीटा को एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा को वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, मतलब इन दोनों का सम इज इक्वल्स टू 1, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, सर्कल की यही इक्वेशन हो गई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, दिस इज द आंसर। हाँ सर। ठीक है आगे बढ़ते हैं, अब आ गए इंटीग्रेशन पर, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है जिसके रूल्स वगैरह हमें पता है, फटाफट इंटीग्रेट कर देते हैं, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन इज टी, ठीक है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर टी डी टी का, तो टी डी टी का क्या होगा, टी डी टी में सेकेंड वाले को देखो, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, तो टी टू द पावर 1 ऑलरेडी है तो इसमें पावर बढ़ जाती है, समझ में आ रहा है कल्पेश? सर इसका जनरल फॉर्मूला बता दो इंटीग्रेशन। इसका जनरल फॉर्मूला होता है जैसे टी टू द पावर एन डी टी, ऐसे लिखा हुआ है, सो दिस विल बी टी टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1, दिस इज द जनरल हाँ सर। फॉर्मूला, तो बस यही लगाना है इन सभी में, तो टी टू द पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आता है ना, हाँ सर। तो बस इसका आंसर हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2 प्लस c, पहले वाले का, दूसरे वाले का सॉरी दूसरे वाले का, पहले वाले का तो अंडर ये जो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी है दैट इज टी प्लस सी, जस्ट
अब इस पे थर्ड पे आ जाते हैं, तो थर्ड में क्या टू कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, टू बाहर आ गया, तो बस कुल मिला के इस चीज़ को हमें टू से मल्टीप्लाई कर देना है, तो सेकेंड थर्ड का आंसर जो होगा वो होगा टी स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अच्छा ये टू सी कोई सोच रहा हो इसको कि इसको टू सी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, टू सी भी एक नया ही कांस्टेंट होगा, तो सी वन लिख दो उसको, कोई दिक्कत नहीं, के लिख दो, पी लिख दो, कुछ भी लिख दो, कांस्टेंट लिख रहे हैं अपन, है ना, वहाँ पे कुछ मतलब नहीं है सी और टू सी का। फिर फोर्थ पर आ जाते हैं, फोर्थ में क्या टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन है, तो टी स्क्वायर प्लस वन टी टू द पावर टू प्लस वन डिवाइडेड बाई टू प्लस वन, सो दैट इज़ वॉट टी क्यूब बाई थ्री, ये आंसर होगा इसका। अब ये बचा लास्ट, यहाँ पे माइनस टू तो बाहर ले लो इंटीग्रेशन से, तो माइनस टू तो बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा टी टू द पावर माइनस थ्री डी टी, अब लगा दो इसमें, तो माइनस टू टी टू द पावर माइनस थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस थ्री प्लस वन प्लस सी, इसका हो गया हमारे पास माइनस टू, नीचे भी ये माइनस टू है तो कट गया इससे, और इधर क्या बचा टी टू द पावर माइनस टू प्लस सी, सो इट इज़ नथिंग बट वन बाई टी स्क्वायर प्लस सी, ये आंसर है। हाँ सर, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि इवेल्युएट द इंटीग्रल, अब इसमें लिमिट्स भी लगानी है, तो पहले वाले में क्या एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है तो आंसर हो जाएगा एक्स क्यूब, अब कांस्टेंट नहीं लगाना है क्योंकि लिमिट्स लगानी है ना, वन से लेके फाइव, एक्स क्यूब बाई थ्री इनफैक्ट, तो कांस्टेंट को तो बाहर ले लो लिमिट्स के बाहर, ठीक है वन बाई थ्री, अंदर क्या सबसे पहले पाँच रखो एक्स के, तो फाइव क्यूब माइनस फिर वन रखो तो वन क्यूब, तो ये वन फाइव क्यूब इज़ 125 माइनस वन इज़ 124, 124 डिवाइडेड बाय थ्री। फिर सेकंड पर आ गए, समझ में आ गया कल्पेश? हाँ सर आ गया। ठीक है, फिर टी स्क्वायर डी टी, तो इसका टी क्यूब बाय थ्री होगा इंटीग्रेशन, और लिमिट्स लग जाएंगी जीरो से वन, तो फटाफट वन बाय थ्री माइनस जीरो, तो वन बाय थ्री इज़ द आंसर। फिर थर्ड पर आ गए, थर्ड पे क्या है टी डी टी, तो इसका आंसर होगा टी स्क्वायर बाई टू, और लिमिट्स लगेंगी थ्री से लेके फाइव, ये हो गया हमारे पास वन बाई टू को तो बाहर फेंको, फाइव स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर, 25 माइनस नौ दैट इज 16 बाई टू यानी कि एट, तो ये तीसरे का आंसर। अब चौथे का, चौथा ये एक्स वन कुछ नहीं है ना, ये ऐसा है, फोर्थ इज टी टू द पावर थ्री बाई टू प्लस वन डिवाइडेड बाई थ्री बाई टू प्लस वन, ये तो इंटीग्रेशन हो गया, और लिमिट्स लग जाएंगी इसकी जीरो से लेके वन, ठीक है, तो थ्री बाई टू प्लस वन इज़ नथिंग बट फाइव बाई टू, तो ये टू बाई फाइव हो जाएगा, और टी टू द पावर फाइव बाई टू, लिमिट्स आर फ्रॉम जीरो से लेके वन, ये हो गया टू बाई फाइव इन टू वन, तो यही आंसर हो गया। अब ये कर देते हैं, तो यहाँ पे जी कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, स्मॉल एम भी कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, सो यहाँ पर हो जाएगा जी एम, एम तो बाहर फेंक दिया हमने, और ये एक्स टू द पावर माइनस टू है, तो इट विल बी माइनस टू एक्स टू द पावर माइनस टू, अच्छा एक मिनट, इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे, तो जी एम एम तो बाहर, अंदर क्या बचा, अंदर बचा एक्स टू द पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, और लिमिट्स भी दी हुई हैं आर से लेके इन्फिनिटी, तो आर से लेके इन्फिनिटी, तो ये हो गया हमारे पास जी एम एम डिवाइडेड बाय, ये माइनस टू प्लस वन इज़ नथिंग बट माइनस वन, और माइनस टू प्लस वन इज़ नथिंग बट माइनस वन, ठीक है, तो इट इज़ लाइक माइनस वन बाय एक्स, और लिमिट्स आर से लेके इन्फिनिटी, माइनस को बाहर निकाल लो तो इट विल बी माइनस जी एम एम वन बाय एक्स आर से लेके इन्फिनिटी, तो वन बाय इन्फिनिटी इज़ वॉट ज़ीरो, और माइनस वन बाय आर, इसको लिख देंगे हम फाइनली जी एम एम माइनस एडजस्ट हो जाएगा डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। फिर सेकेंड पर आ गए, सेकेंड में कौन कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, वी वेरिएबल है, तो एम को बाहर फेंका, फिर वी डी वी, वी डी वी का इंटीग्रेशन इज वी स्क्वायर बाय टू, लिमिट्स आर फ्रॉम यू से लेके वी, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय टू,
दिस इज द आंसर। हाँ सर। फिर थर्ड पे आ गए, थर्ड सीज कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 से लेके पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 इज 1 एंड साइन 0 इज 0, तो आंसर इज 1। हाँ सर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशन इफ इट्स वेलोसिटी इज वी इज इक्वल्स टू 2t-5 फ्रॉम t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो अब यहाँ पे वेलोसिटी दी हुई है ना वन डायमेंशन में, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन ds बाई dt। तो यहाँ से हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं, ds इज इक्वल्स टू वी dt। ये समझ में आया कुछ नहीं, dt इधर चला सर, ये तो आ गया समझ में। वन डायमेंशन में डिस्प्लेसमेंट मतलब, वन डायमेंशन मतलब कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। अच्छा ठीक है सर। तो ds इज इक्वल्स टू वी डी टी, अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ds का इंटीग्रेशन तो s हो जाएगा। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगी, शुरुआत में अभी लिमिट्स पे आते हैं ज़रा, फिर वी डी टी, वी का फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, दैट इज़ वॉट 2t-5 dt इसका इंटीग्रेशन। सो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा फटाफट, टी स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, -5t। ठीक है, यहाँ पे टाइम की लिमिट्स आएंगी, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की लिमिट्स, तो जब टाइम ज़ीरो था तब वो अपनी शुरुआत कर रहा था यानी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो था, और जब वो 4 सेकेंड पे पहुँच गया तब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो उसको कुछ एस बोल देते हैं। तो इस चीज़ को जब करेंगे लिमिट्स लगा के, तो दैट इज़ s-0, और ये क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर -5t। सो 4 स्क्वायर इज़ वॉट, 4 स्क्वायर इज 16 -20, ये तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट 0, सो इट इज़ -4। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया -4, ये आंसर होगा। ठीक है, तो कुल मिला के जब इसमें बस कुल मिला के हमें वही डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है जो हम जानते हैं, और उसको इंटीग्रेशन वाले फॉर्म में लिख देना है। तो जब टाइम 0 था तब डिस्प्लेसमेंट 0 था, जब टाइम 4 सेकेंड हो गया तब हमें बताना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, तो -4 आ गया यहाँ से। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द वी वर्सेस टी टाइम ग्राफ द टाइम एट विच द पार्टिकल इज एट रेस्ट एट व्हाट टाइम। ठीक है, पार्टिकल किस टाइम पर रेस्ट पे आएगा, अच्छा पहले पहले का पार्ट है ये, फिर बी पार्ट एट व्हाट टाइम इफ एनी डज द पार्टिकल रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो हमें बताना ऐसे, पहले को पहला क्वेश्चन है कि ये बताओ कि वो रेस्ट पे कब आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो बहुत ही आसान है, देखना वेलोसिटी जब जीरो होती है तब वो रेस्ट पे आता है, ये बात समझ में आ रही है। हाँ सर। यहाँ पर जीरो है वेलोसिटी और यहाँ पर जीरो है, तो पहले का आंसर हो गया तो टी इक्वल टू जीरो पे रेस्ट पे होगा और टी इक्वल टू 3 पर रेस्ट पे होगा, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। बी पर आ जाते हैं, एट व्हाट टाइम इफ एनी डज द पार्टिकल रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिवर्स कर रहा है, ये बात समझ में आ रही है। 2 पे कर रहा है सर। हाँ 2 पे। हाँ सर 2 पे ही लग रहा है। अच्छा, अब डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स कर रहा है, इसका मतलब समझते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स करने का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई उसकी अचानक से, यानी अगर पॉजिटिव थी वेलोसिटी तो नेगेटिव हो गई। ठीक है, अचानक से। हाँ सर। तो सर 3 पे हो जाएगा। 3 पे, और अगर नेगेटिव थी तो अचानक से पॉजिटिव हो गई वेलोसिटी, तो केवल एक ही पॉइंट है ऐसा 3, जब 3 से ज़रा सा पहले नेगेटिव थी वेलोसिटी और 3 के ज़रा सा बाद पॉजिटिव थी, तो इसका आंसर हो गया टी इक्वल टू 3 सेकेंड। अभी आपकी आवाज़ बंद हो गई थी। हाँ, तो 3 इक्वल टू 3 सेकेंड पे आ गया कि इसकी वेलोसिटी रिवर्स कर रही है डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आ जाते हैं अपन थर्ड वाले पार्ट पे कि द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 6 सेकेंड। तो देखना कि वेलोसिटी जो होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है dv बाई dt। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं dv
गलत, फिर गलत बोल दिया मैंने। वेलोसिटी जो होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव। बहुत गौर से समझना इसको, वेलोसिटी इज डी एस बाई डी टी, यानी कि डी एस इज इक्वल्स टू वी डी टी। अच्छा, इंटीग्रेशन क्या सिंबलाइज करता है, वाई डी एक्स क्या सिंबलाइज करता है? इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स सिंबलाइज एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, कौन सा कर्व? वाई वर्सेज एक्स कर्व, एरिया अंडर द कर्व वाई वर्सेज एक्स। तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट आएगा दैट विल बी द एरिया अंडर वी टी ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट इज वॉट? डिस्प्लेसमेंट इज एरिया अंडर वी टी ग्राफ। तो ये वी टी ग्राफ दिया हुआ है, तो एरिया नीचे जो एक्स एक्सिस के होता है वो नेगेटिव होता है और जो एक्स एक्सिस के ऊपर होता है वो पॉजिटिव होता है। सर एरिया नेगेटिव मतलब? अच्छा, ये बात नहीं बताई क्या मैंने? अच्छा, अगर हम इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे कुल मिला के, इसको ऐसे समझो, ये ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है, तो इतने पोर्शन में अगर अपन कंसीडर करें तो वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव वेलोसिटी का क्या मतलब है कि मान लो ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ से शुरू हो रहा है ये, तो नेगेटिव वेलोसिटी का क्या मतलब है? वो इस तरफ जा रहा है, उल्टा जा रहा है, अगर हमने इसको प्लस एक्स माना है तो। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर जब पहुँचा तो उसने डायरेक्शन बदल ली अपनी। ये बात समझ में आ रही है? हाँ। और फिर ऊपर चलता का मतलब कि फिर इधर ऐसा चलता गया, तो मतलब पहले तो डिस्प्लेसमेंट या नेगेटिव में जा रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब नीचे जो एरिया आएगा दैट विल गिव नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर, ये बस कैलकुलेशन के लिए होगा ना? बस कैलकुलेशन के लिए, असली में तो नहीं होता होगा सर ऐसा? असली में ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ। ठीक है, तो कुल मिला के दिस एरिया जो भी हम कैलकुलेट करेंगे उसको नेगेटिव ट्रीट करेंगे और ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव ट्रीट करेंगे। तो ये एक ट्राइंगल है जिसका साइड कितना है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इज वॉट? 3, एंड हाइट इज वॉट? 4। सो दिस इज -6 है ना, क्योंकि माइनस ट्रीट करना है इसको डिस्प्लेसमेंट लिखने के लिए। ठीक है, और ये एक ट्राइंगल है अगेन, तो हाफ इंटू बेस, बेस इज 1 एंड हाइट इज 4, सो दैट इज 2। ठीक है, और ये वाला, ये एक रेक्टेंगल है जिसका बेस कितना है? 2, और हाइट है 4, तो ये हो गया 8। तो 2 + 8 = 10, तो पॉजिटिव लेना है और 6 नेगेटिव लेना है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट? -4 मीटर। ठीक है, सब कुछ ऐसा यूनिट में दिया तो ये भी ऐसा यूनिट में आ जाएगा। अच्छा, अब सेकंड में क्या पूछा उसने कि डिस्प्लेसमेंट भी बताओ, 0 से लेके 6 सेकंड तक था तो यहीं तक देखना, डिस्प्लेसमेंट भी बताओ। डिस्प्लेसमेंट तो बता दिया हमने, डिस्टेंस भी बताओ। अच्छा, डिस्टेंस तो नेगेटिव होता नहीं है, जब ये इधर गया होगा तो लौट के इधर आया तो ऐड ही होना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने में हम नेगेटिव नहीं लेंगे, नेगेटिव को भी पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, तो +6 + 10 दैट इज 16 मीटर। ये बात समझ में आई? हाँ सर, आगे। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ पार्टिकल हुज वेलोसिटी कंपोनेंट्स आर दिस गिवन दैट पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ओरिजिन। तो टी इक्वल टू 0 पर उसकी पोजीशंस कुछ इस प्रकार थी, x भी 0 और y भी 0, ये इनिशियल कंडीशन है। ठीक है, हमें क्या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फाइंड करनी है, मतलब कि x और y में रिलेशन चाहिए। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यानी कि पाथ की इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन ऑफ x एंड y। तो हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है? vx दिया हुआ है, तो vx क्या होता है? vx इज नथिंग बट dx बाई dt, dx बाई dt इज 2x + 1। एंड vy दिया हुआ है, vy इज नथिंग बट dy/dt, सो dy/dt इज 2y + 3। ये समझ में आया? सर vx को dx/dt क्यों लिया? क्योंकि
वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है ये, तो डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। हाँ सर आ गए। ठीक, तो अब क्या करते हैं, अपन यहाँ पे इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं किसी तरीके से, कि डी टी एक कॉमन एलिमेंट है तो यहाँ से भी डी टी निकालते हैं और यहाँ से भी डी टी निकालते हैं। तो डी टी इज़ वॉट, डी टी इज डी एक्स अपॉन टू एक्स प्लस वन, और यहाँ से डी टी निकाला अगर, सो दैट इज़ डी वाई अपॉन टू वाई प्लस थ्री। तो डी टी और डी टी बराबर है, तो डी एक्स अपॉन टू एक्स प्लस वन और डी वाई अपॉन टू एक्स प्लस वन भी बराबर होंगे। तो यहाँ से टाइम एलिमिनेट हो गया और केवल एक्स और वाई में इक्वेशन मिल जाएगी। अब हमें यहाँ से लिखेंगे डी एक्स अपॉन टू एक्स प्लस वन और यहाँ से लिखेंगे डी वाई अपॉन टू वाई प्लस थ्री, और अब ये इंटीग्रल बन गया तो इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब एक्स ज़ीरो था वाई भी ज़ीरो था, ये बात पता है हमें, तो जब एक्स ज़ीरो है तो वाई भी ज़ीरो है, और जब x कुछ x है y कुछ वेरिएबल y हो जाएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से। तो इस चीज़ का इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो इस चीज़ का इंटीग्रेशन होगा ln 2x plus 1 डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि इसका जो कोफिशियंट है वो 2 है। सर ln ये वाला समझ नहीं आया। इतना 1 बाई x का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज ln x, ये फॉर्मूला। हाँ सर याद है, याद आया। और क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है तो 2 से डिवाइड भी हो जाएगा, तो यहाँ से हो गया एल एन टू एक्स प्लस वन बाई टू, और यहाँ से हो गया एल एन टू वाई प्लस वन बाई टू। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, अब ये बचा हुआ बस एल एन एल एन, तो एल एन से एल एन हटा देंगे, तो इट इज लाइक टू एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू टू वाई प्लस वन, नॉट टू वाई वाई प्लस वन, इट इज टू वाई प्लस थ्री, टू वाई प्लस थ्री। ठीक है, और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, लिमिट्स लगाएंगे इसमें ज़ीरो से लेके एक्स तक, यहाँ पे लिमिट्स लगाएंगे, मतलब लिमिट्स क्या लगानी है ना, वो है ये क्या बोलते हैं इसको, ऐसे नहीं करना है कि लिमिट्स नहीं लगानी है यहाँ पर, क्योंकि ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, तो कॉन्स्टेंट लगा देंगे यहाँ पर प्लस सी, और उस कांस्टेंट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस इक्वेशन की वैल्यू में हमें पता है कि जब एक्स ज़ीरो है वाई भी ज़ीरो है, तो सी की वैल्यू आ जाएगी, सो वन इज इक्वल्स टू थ्री प्लस सी, सो सी कितना आ गया, सी आ गया माइनस टू। कुल मिला के द इक्वेशन इज टू एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू टू वाई थ्री माइनस टू, यानी कि प्लस वन, तो वन से वन कट गया, कुल मिला के एक्स इज इक्वल्स टू वाई, ये इक्वेशन है। हाँ सर ठीक है, तो आई होप कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की होगी, तो सब सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन होता है, अप्रोक्सीमेशन होता है, बाइनोमियल की तरह हम बाइनोमियल इक्वेशन में अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। तो वो अप्रोक्सीमेशन कुछ इस तरीके से होता है कि अगर 1 प्लस एक्स टू द पावर एन लिखा हुआ है और एक्स की वैल्यू बहुत छोटी है 1 के कंपैरेटिव, ठीक है, 1 के कंपैरेटिव एक्स की वैल्यू बहुत छोटी है, सो दिस एक्सप्रेशन 1 प्लस एक्स टू द पावर एन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज 1 प्लस एन एक्स। बात समझ में आई, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन इज अप्रोक्सीमेटेड एज 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, बाद में पता चलेगा कि कुछ हायर पावर टर्म्स होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं, तो उनको नेगलेक्ट कर देते हैं, तो 1 प्लस एन एक्स लिख देते हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि x की वैल्यू बहुत छोटी होनी चाहिए 1 से। तो इसका यूज़ करते हैं अपन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1.03 टू द पावर 1/3, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 0.03 टू द पावर 1/3, और 1 के कंपैरेटिव 0.03 बहुत छोटा है, सो दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस एन एक्स, एन इज 1/3 एंड एक्स इज 0.03, सो दैट इज 1 प्लस 0.01, यानी कि 1.01, दिस इज द आंसर। हाँ सर, ठीक है, अब एक और क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
कि द एंगल सबटेंडेड बाय मून्स डायमीटर एट अ पॉइंट ऑन द अर्थ इज अबाउट 0.5 डिग्रीज. सो यूज दिस एंड द फैक्ट दैट द रेडी द मून इज अबाउट 38400 किलोमीटर अवे टू द अवे टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ द मून. तो कुल मिला के क्या कहा गया है कि ये मून है भाई, ठीक है, और अर्थ पर एक पॉइंट है, अर्थ बहुत बड़ी है, उस पर एक पॉइंट है. तो जो एंगल सबटेंड हो रहा है मून के डायमीटर का, दैट इज 0.5 डिग्री. ये जो एंगल है थीटा बोल देते हैं इसे, थीटा इज 0.5 डिग्री. तो 0.5 डिग्री तो बहुत छोटा है ना, अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है. और क्या बोला है साथ में, और बोला है कि जो जो डिस्टेंस है मून का, कि ये जो डिस्टेंस है मून का अर्थ से, दैट इज 38400 किलोमीटर्स. तो इस फैक्ट को यूज करते हुए हमें बताना है कि मून का डायमीटर क्या है. तो लेट्स से डायमीटर ऑफ द मून इज डी. अच्छा, ये लेट्स से एक्स है, तो क्योंकि ये एंगल बहुत छोटा है, ये भी एक्स होगा और ये भी एक्स होगा, सब एक्स है. मतलब कि कुल मिला के अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि ये मैंने एक आर्क बना ली, ठीक है, ये रेडियस है, ये थीटा है, तो आर्क लेंथ क्या होती है, ये होती है आर थीटा. सो दिस डी कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज, डी कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज एक्स इंटू थीटा. अरे बस सुन, हाँ सर. और क्योंकि ये थीटा बहुत छोटा है, इसको अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं. सो एक्स इज व्हाट, एक्स इज 38400 किलोमीटर्स, एंड थीटा इज व्हाट, रेडियन में लिखना पड़ेगा, ऐसा यूनिट में है ना, डिग्री में लिख के काम नहीं चलेगा. सो दैट इज व्हाट, 0.5 तो हो गया डिग्री में, डिवाइड कर दिया इसको 180 से और पाई से मल्टीप्लाई कर दिया. सो दिस मच किलोमीटर इज द डायमीटर ऑफ द मून, दिस इज द आंसर. हाँ सर, आर थीटा के लिए है, वो थीटा बाय 360 इनटू 180 था ना उसका, तो मतलब इनटू ये. हाँ सर, इसका टेंथ में पढ़ा था कि थीटा बाय 360 इनटू आर. अरे भाई, वो तो अपन ने जब पढ़ा था जब थीटा डिग्रीज में लेते थे, ये जब रेडियन में लेते हैं. थीटा इज इन रेडियन, ठीक है, याद आ गया. हाँ सर, आ गया. हाँ, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. फाइंड डी एक्स बाई डी टी डेरीवेशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी. फटाफट कर देते हैं ना इसका. फर्स्ट का डी एक्स बाई डी टी इज 3t² + 1 to the power 2, और चेन रूल लगा के अंदर का भी डिफ्रेंसिएशन, तो 2t, दिस इज द आंसर. सेकेंड में डी एक्स बाई डी टी, तो साइन 2t, यानी साइन का डिफ्रेंसिएशन सबसे पहले, तो कॉस 2t और फिर 2. फिर आ जाते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन करना है, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर. तो इसको रैशनलाइज करने जाएंगे तो दिक्कत होगी काफ़ी, तो कोशेंट रूल लगा देते हैं. सो सबसे पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन यानी कि 3x², नीचे वाला एज इट इज़ यानी कि एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, फिर बीच में माइनस ऊपर वाला एज इट इज़ यानी कि एक्स क्यूब, फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो यानी कि 2x + 1 to the power 1, और x प्लस वन का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाय जो भी नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसका स्क्वायर, यानी कि x + 1 to the power 4. ये आंसर हो गया इसका. और सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर कॉमन लेके और कर ही देते हैं. तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वन भी कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, यहाँ बचा 3x + 1 - 2x. हाँ बस इतने, और नीचे x + 1 to the power 4, तो ये 3 हो जाएगा पावर, और ये एक एक्स प्लस वन कट जाएगा. फिर आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन एज v इज इक्वल्स टू √gx. सो फाइंड इज एक्सीलरेशन. तो देखना किस किस में रिलेशन दिया है, यहाँ पे v वर्सेस x में रिलेशन दिया है. द रिलेशन इज गिवन एज v वर्सेस x, लेकिन पूछा क्या है, पूछा a है, एक्सीलरेशन पूछा है,
तो सबसे पहले तो हम कुछ ऐसे रिलेशन देख लेते हैं जिसमें वी ए और एक्स को हम रिलेट कर पाएँ और ए निकाल पाएँ उससे। तो देखना, वी डी वी बाई डी टी इज ए, ठीक है, एंड डी एस बाई डी एक्स बाई डी टी इज वी। तो अगर हम इन तीनों में रिलेशन चाहते हैं, वी एक्स और ए में, तो टाइम को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो इस इक्वेशन से इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास बनेगा डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए बाई वी, इज इक्वल्स टू ए बाई वी। ये समझ में आया? हाँ सर, आ गया। तो कुल मिला के वी कैन राइट वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए। तो अगर हमें v तो पता ही है, v का फंक्शन तो दिया ही है, dv बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो a आ जाएगा। तो सबसे पहले dv बाई डी एक्स निकालेंगे। सो dv बाई डी एक्स इज नथिंग बट रूट जी, तो कॉन्स्टेंट है, तो रूट जी इज आउट ऑफ द डिफरेंशिएटर। x की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन करेंगे, सो दैट विल बी 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो दिस इज dv बाई डी एक्स। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन इज v, v इज रूट जी एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी वी बाई डी एक्स, सो दैट इज रूट जी अपॉन 2 रूट एक्स। तो रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, रूट जी इंटू रूट जी इज जी, तो जी बाई टू इज द एक्सेलरेशन। हाँ सर, समझ में आया? कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई यहाँ पे? नहीं हुई, ठीक है। हाँ सर, सही है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि इफ आर वेक्टर इज गिवन इज दिस, देन कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है भाई, आर वेक्टर यानी कि ये तो दिया हुआ है एक्स और ये दिया हुआ है वाई। अच्छा, ये इनिशियल दिया हुआ है ना, इस तरीके से देखो इसको, यू टी समथिंग यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये तो दिया हुआ है भाई हमें U, और ये दिया हुआ है हमें एसेलरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं U क्या दिया हुआ है। यू एक्स इज गिवन एस यू कॉस थीटा, इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, और इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट इज गिवन एज यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। एंड एसेलरेशन इज गिवन एज हाफ जी टी स्क्वायर होता है, हाफ ए टी स्क्वायर, तो एक्सीलरेशन गिवन इज माइनस जी। ये तीन इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। सर पर इसको अपन ने ऐसा मतलब अपने आप से क्यों मान लिया इसको? क्योंकि ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इस वजह से हाँ सर। तो हमें हिट हुआ। तो ये डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, ये तभी वैलिड होता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो कांस्टेंट है क्योंकि ये माइनस जी है, टाइम का कुछ फंक्शन नहीं है ना यहाँ पर। तो हाँ सर। कुल मिला के ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। तो हमें क्या निकालना है, हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालना है। सो डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी होता है वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, यानी कि दिस इज वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। ये तो इनिशियल है शुरुआत में। सबसे पहले तो हमें वी एक्स निकालना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़, ये जो ए है ये माइनस जे कैप है, यानी कि दिस इज द वाई कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट क्या है एक्सीलरेशन का, जीरो, क्योंकि वो तो कुछ है ही नहीं। हाँ सर। सो डी एक्स बाई डी टी इज वी एक्स एंड डी वाई बाई डी टी इज वी वाई। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, वी एक्स और वी वाई कैलकुलेट करते हैं। तो वी एक्स और वी वाई कैलकुलेट करने के लिए हमें यू एक्स और ए एक्स चाहिए रहेगा। सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 ए एस। एस का कोई काम नहीं है यहाँ पर। अच्छा, टाइम के सर पहले ही यूज़ कर लेते हैं पहले इक्वेशन, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि टाइम के फॉर्म में मिल जाएगा फिर हमें। सो वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन होती है हमारे पास पहले वाली। अभी आपने बोला था कि ये वी तो कोई से भी पॉइंट पे वेलोसिटी, और इस वाले इक्वेशन में वी तो फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल मतलब कि किसी भी रैंडम टाइम टी पर वेलोसिटी।
तो हम वही निकाल रहे हैं। तो इस वाली इक्वेशन को हम एक्स डायरेक्शन में लगाएंगे, मतलब कि यहाँ पर एक्स कंपोनेंट रखेंगे तो यहाँ भी एक्स कंपोनेंट और यहाँ भी एक्स कंपोनेंट। सो वी एक्स इज व्हाट, वो निकालना है हमें, ठीक है। यू एक्स इज व्हाट, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हेलो, इज द कनेक्शन रिस्टोर्ड? हाँ सर, अब आ रही है। हाँ तो क्या बोला गया, v इक्वल्स टू u प्लस at, इसको हमने x डायरेक्शन में लगाया इस इक्वेशन को, तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस axt। तो यू एक्स क्या है? यू एक्स है u cos थीटा, u cos थीटा प्लस ax, ax इज जीरो, तो कुल मिला के वी एक्स इज नथिंग बट u cos थीटा। फिर इस इक्वेशन को y में लगा देते हैं, तो यानी कि वी वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस ए वाई टी, मतलब यू वाई प्लस ए वाई टी। सो यू वाई क्या है? यू साइन थीटा, और ए वाई है माइनस जी, तो माइनस जी टी। तो दिस इज वी वाई। यहाँ तक समझ में आया? सर ये फिर से बता दो, ठीक ना? क्या अपन अपना उद्देश्य क्या है? अपना उद्देश्य है वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कैलकुलेट करना और वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कैलकुलेट करना, ठीक है। और हम पूरी पूरी सिचुएशन को एक्स में अलग देख रहे हैं और वाई में अलग देख रहे हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन भी पहले हमने एक्स में लगाई, फिर हमने वाई में लगाई। सर ये u cos थीटा कैसे हो गया? क्योंकि जब हम एक्स में लगा रहे हैं तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट रखना है, और इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या है? u cos थीटा। ये आया समझ में? हाँ सर आ गया। और ये भी आया, ये वाला? हाँ सर आ गया। ठीक है, अब आ गए अपन यहाँ पर अपने काम की, अब मतलब अब काम खत्म हो चुका है, मैथमेटिकल काम बचा है। सो डी एक्स बाई डी टी इज वी एक्स, वी एक्स इज यू कॉस थीटा, ठीक है। एंड डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी इज नथिंग बट यू साइन थीटा माइनस जी टी, तो यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो यहाँ से तो सबसे पहले x निकाल लिया हमने, x यानी कि उस तरफ डिफ्रेंशिएट करके, तो ये हो गया u cos थीटा इंटू टी। ये समझ में आया? हाँ सर। सिमिलरली यहाँ से y लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? u sin थीटा इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई टू। ये समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, अब क्या करना है? हमें टाइम को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ से हम टाइम को क्या लिख सकते हैं? टाइम कैन बी रिटन एज x अपॉन u cos थीटा, ठीक है। और इस टाइम को इधर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इस इक्वेशन में, तो पूरी की पूरी इक्वेशन x और y में बन जाएगी। तो y इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी, टी इज नथिंग बट x अपॉन u cos थीटा माइनस g, टी स्क्वायर इज x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। डिवाइडेड बाई टू, कुछ डायमेंशनली गड़बड़ लग रहा है। हाँ नहीं, सही है सही है, ठीक है। तो कुल मिला के अब u से u कट गया, यहाँ से साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा बन गया। तो y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस यहाँ पे क्या बन गया? g x स्क्वायर टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो दिस कैन बी रिटन एज g x स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। सर बस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में y और x में इक्वेशन लाना है, y और इक्वेशन में इक्वेशन लेके, y और x में इक्वेशन लेके आना रहता है। अगर 3 डायमेंशन हुआ तो z में भी लाना, z भी आएगा, z भी लाना पड़ेगा 3 डायमेंशन हुआ तो, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल दिस। तो कुछ नहीं, बस आराम से सॉल्व कर दो इसको, पाई टी बाई टू, सो ये हो गया पाई टी स्क्वायर बाय टू, टू एक ऑलरेडी है तो फोर, फिर ये टी क्यूब बाय सिक्स, ठीक है। लिमिट्स लगा दो यहाँ पे जीरो से लेके पाई,
जीरो से लेके पाई। पहले क्लियरली लोअर लिमिट में तो जीरो जा रहा है, अपर लिमिट ही रखनी है यहाँ पर। सो पाई इंटू पाई स्क्वायर बाय फोर माइनस पाई क्यूब बाय सिक्स, वन बाय फोर माइनस वन बाय सिक्स है कुल मिला के, तो इट इज़ नथिंग बट टू बाय ट्वेल्व, टू बाय ट्वेंटी फोर वन बाय ट्वेल्व, तो दैट इज पाई क्यूब बाय ट्वेल्व, दिस इज द आंसर। हाँ सर। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन एज वी इज इक्वल्स टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मीटर पर सेकेंड, सो फाइंड एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर भी वी वर्सेस एक्स का वो दिया हुआ है रिलेशन, और बताना है हमें एक्सीलरेशन। ठीक है, तो फिर से लिख लेते हैं इसको, डी वी बाई डी टी ये एक्सीलरेशन के बराबर होता है, और डी एक्स बाई डी टी ये वेलोसिटी के बराबर होता है। तो इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देंगे, और बस क्या आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा v dv by dx is equals to a। तो v तो है ही, और dv by dx निकाल देते हैं। सो dv by dx क्या होगा, dv by dx होगा 6x plus 1, और उसकी वैल्यू हमें 2 मीटर्स पे चाहिए। ठीक है, सो एक्सेलरेशन इज v, तो v इज व्हाट, 3x स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाइड बाई dv बाई डी एक्स, दैट इज 6x प्लस 1। सो ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, और कब चाहिए, x इक्वल टू 2 के लिए। तो आंसर विल बी 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 6 इंटू 2 प्लस 1, तो ये हो गया 4 12 प्लस 2 14 मल्टीप्लाइड बाई 13, तो ये हो गया 13 फोर ज़ा 52 52 183 हो जाएगा सर। 183 नहीं सर, 182 183 182 182 यस, तो 182 SI यूनिट में आंसर हो गया, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सब कुछ SI यूनिट में दिया है तो आंसर भी ऐसे यूनिट में आएगा। हाँ सर। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 104 टू द पावर हाफ, रूट 104 की वैल्यू बतानी है हमें। देखना इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 4 टू द पावर हाफ। ठीक है। हाँ सर। लेकिन जो फॉर्मूला था बाइनोमियल में, वो तो 1 प्लस एक्स समथिंग था, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन था, तो 1 बनाया जा सकता है क्या यहाँ पे, तो 100 बाहर ले लेते हैं ब्रैकेट के, तो 100 बाहर लिया तो 100 टू द पावर 1 बाई 2 बाहर आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 4 बाय 100 टू द पावर हाफ, तो 100 टू द पावर हाफ इज नथिंग बट 10, एंड ये क्या बन गया अंदर, 1 प्लस 0.04 टू द पावर हाफ। अब 0.04 तो बहुत छोटा है 1 से, तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, तो 10 1 प्लस 1 बाई 2 इंटू 0.04, सो दैट इज व्हाट, 10 इंटू 1 प्लस 0.02, 10 इंटू 1.02 दैट इज नथिंग बट 10.2, सो रूट 104 इज अप्रॉक्सीमेटली 10.2। आगे सर। हाँ सर आगे। ठीक है, तो इतना काफ़ी है, इसको सॉल्व किया हमने, काफ़ी सब कुछ कवर हो गया इससे। हाँ सर।